जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तत्वावधान में पंचायत भवन सभागार में रामायण मेला का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्घाटन महासंगठन के अध्यक्ष बाबा संजीव आकांक्षी, प्रमोद रस्तोगी, प्रेमनाथ यादव, एस के मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सरस्वती माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत राजकुमार गोस्वामी ने गणेश वंदना और सरस्वती वंदना की मनमोहक प्रस्तुति संगीत के माध्यम से की। कार्यक्रम के उद्बोधन में बाबा संजीव आकांक्षी ने कहा कि पंचायत भवन का सभागार आज ऐसे आयोजन से धन्य हो रहा है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रूप में यहां उपस्थित हैं। राम भक्तों से भरे पंचायत भवन सभागार में जय श्री राम की उद्घोष के बीच कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। रूप सज्जा प्रतियोगिता में कुल 256 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। 400 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं उनके अभिभावक एवं शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति से पंचायत भवन खचाखच भरा हुआ था। 67 विद्यालयों के 4 आयु वर्ग के प्रतिभागियों में उपस्थित प्रतिभागियों के बीच सबसे पहले चौपाई गायन की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चौपाई गायन की प्रतियोगिता में शत्रुघ्न पर 5 वर्ष से 9 वर्ष के प्रतिभागियों के बीच ताल तरंग स्कूल के जीवांश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सरस्वती देवी इंटर कॉलेज के मास्टर व्यास ने द्वितीय स्थान एवं गोल्डन गेट पब्लिक स्कूल के यशस्वी शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस पूरे आयोजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में प्रमोद रस्तोगी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मंच का संचालन राजकुमार गोस्वामी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में निर्णायकों के रूप में प्रतिभा पंत, रति रस्तोगी एवं शिल्पी सक्सेना एवं कृष्ण गोपाल शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में टेबुलेशन वर्क के काम में उन्नति गुप्ता, आकृति सिंह, शिवानी भटनागर, रितिका जौहरी एवं वर्तिका शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में प्रत्येक प्रतिभागी को मेडल एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। अभी तक न्यूज इंडिया के लिए पायल राजपूत की रिपोर्ट। आज का आयोजन बहुत सुंदर है, मीडिया का बहुत सपोर्ट है और मैं समझता हूँ ऐसा एक पवित्र आयोजन प्रतिवर्ष होना चाहिए। ऐसे आयोजनों की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ऐसे सार्थक पवित्र आयोजन अगर हम जैसे ही और लोग भी करें तो समाज में बड़ा संदेश जा सकता है। बच्चों में एक तरफ संस्कार का रोपण है, अंकुर संस्कार के अंकुर जागृत होते हैं। बीजारोपण जब हो रहा है तो अंकुर जागृत होते हैं, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा और जब बड़ा वृक्ष होता है तो बड़ी छांव देता है। जैसा आप वृक्ष लगाएंगे वैसे ही छांव आएगी, वैसे ही फल आएंगे, वैसे ही फूल आएंगे और वैसे ही सुगंध करेगी। ये एक सुगंधित वृक्ष की तरह ये रामायण मेला है और ये ऐसी सुगंध फैलाएगा कि आने वाले वर्षों में जब ये बच्चे बड़े होंगे तभी इन्हें इस बात का एहसास होगा कि हम वास्तव में जीवन में बहुत बेहतर।